कोविड महामारी में जहां सारा देश इस महामारी से निपटने में लगा हुआ है, वहीं बेजुबान जानवरों की सुनने वाला कोई नहीं। वजह ये है कि वो बोल नहीं सकते। ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नसबंदी के नाम पर शहर के आवारा कुत्तों को नसबंदी के लिए लाया तो जा रहा है, लेकिन उनका सही रख रखाव नहीं किया जा रहा। ट्रीट एनीमल लई काम करते हैं। अज असं इतने मनवाल के आए हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट हैगा एस पी सी ए, जिन्हों की हालांकि साल नहीं होया शुरू हो इस प्रोजेक्ट न। इस प्रोजेक्ट के नसबंदी की जाती है कुत्तियां की। उस नसबंदी के दौर में असं चेक कर आए हैं। और रीज़न ये पै गया जी, साढ़े जयराम कलोनी पठानकोट तो एक डॉग इन्होंने कैचर किया थोड़े दिन पहला। और डॉग न कैचिंग करके लियाया गया नसबंदी लिए, ताकि और आबादी मेनटेन किया जाए डॉग से। तीन दिन बाद दावा किया गया कि वह डॉग में आप छड़ देंगे। उस डॉग का नाम टाइगर से, वह डॉग अज तक वापस नहीं आया। इन्हों को आके असी कन्फर्म किया कि वह डॉग कितने गया, तो इन्हों का कहने का रीज़न ये है कि जी वह डॉग इतों की भज गया। मैं पूछना चाहना है कि इन्ने लखा के हिसाब से तुम्हें फंड आ रहा है, पांच छे छे बंदे तुहाडे को वर्करस हैगे है काम करन, तो वह डॉग जिहड़ा है तुहाडे को किदां भज गया, उहदा रीज़न दस्या जाए। वो एक डॉग से बेचारा अपनी जिंदगी जी रहा है, जिहड़ी बड़े वधिया तरीके नाल जी रहा सी, उहदी की लोड़ पै गई उहदी जिंदगी खराब करन दी। अज वो पता नहीं कित्थे धक्के खा रहा होएगा, जां जींदा है नहीं जींदा, इहदा कोई प्रूफ नहीं दे सकदा। आ देख सकते हो तुसीं लागे जाके, तो केस च डॉग्स जिहड़े बंद पए है, इहनां दे विच कुछ डॉग ऐसे भी है जिहड़े 3 तों 4 महीने रह गए, उहनां दी वी स्टरलाइजेशन कर चुके है। हालांकि 3 तों 4 महीने का जिहड़ा बच्चा वो पप दे विच ही गिणिया जांदा 3 महीने का, उहदी स्टरलाइजेशन नहीं हो सकती। उहदा कारण की है, उहदे अंदर जिहड़े ऑर्गन है वो चंगी तरह जिहड़े हले तक डिवैलप नहीं होए होंदे। तो 7 महीने घट्टो घट टाइम हुंदा जी स्टरलाइजेशन करन दा। तो उस तों पहला आपां जे करदे आ तां कानून दे खिलाफ हुंदा जी, लॉ दे खिलाफ है, एनीमल वेलफेयर बोर्ड दे खिलाफ है जी। तो असीं यही कहांगे कि गवर्नमेंट नूं अजे काम करना है, अच्छा काम कर रही है, जे गवर्नमेंट नूं फंड आ रहा पिछों सेंटर वालों, तो गवर्नमेंट उन्हों वधिया तरीके नाल करे, इन्ना फंड लै के भी जे जानवरों की बेकदरी हो रही है तो वो काम करन दा हैगा। इहदे विच आम लोग रोज़ आणगे फिर लड़न वास्ते, उहदा कारण यही रहेगा कि कुछ लोग जानवरों नाल प्यार भी करदे आ। इहनूं मजबूरी या सिरदर्दी समझ के गवर्नमेंट ना करे, म्यूनसिपल कमेटी इहनूं एक धक्काशाही ना करे जानवरों के नाल, बार बार यही बेनती करना चाहते हैं। नाम सुगंध है सर, मैं NGO नाल रिलेटिड हैगी हाँ। तो मेरे घर के बाहर ना मैं 5-7 कुत्ते है जिन्हां नाल मैं खुद फीड करनी हाँ, साइड ट्रीटमेंट भी खुद ही करनी हाँ। तो इन्हां ने ना स्टरलाइजेशन के दौरान 3 कुत्तियां नूं मेरे घर के बाहरों चुकिया सी, जिन्हां च 2 कुत्ते जिहड़े है 19 तरीक नूं 3 कुत्ते चुके सी, ते संडे नूं उन्होंने 23 तरीक नूं रिलीज़ करते ही 2 कुत्ते। ते एक कुत्ता जिहड़ा टाइगर है वो हाली तक उहदा अता पता नहीं है, जां ते इहदे हत्थों मर गया वो। मैं बार बार पुछनी हाँ, कोई रिस्पोंस नहीं आता। कभी कहिंदे फुटेज दिखा देंगे, कभी कहिंदे नाल दे पिंड विच छड्ड दित्ता है कुत्ता, बाई मिसटेक निकल गया। तो मैं बार बार इन्हां नूं 3-4 वारी आई हाँ, तो फिर इन्हां ने मैनूं कोई जवाब नहीं दिता। हाली भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं बाहर हाँ, तो मैं आना 1-2 दिन तक मैं तुहानूं पूरी फुटेज दिखा दाँगा अगर लाइट होएगी। तो पर इन्हां दा यही है कि पेट्रोल दा बचत कर रहे हैं। पठानकोट तो कुत्ते चुक के मनवाल हॉस्पिटल के अंदर लैके आ जाते हैं, तो उत्थे रिलीज़ कर देंगे है अपने पेट्रोल नूं बचाने लई। मेरी तो ये हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल वापस उसी प्लेस पे कुत्ते नूं छड़ना चाहिए, किसी भी जानवर नूं जिथों चुक्या उत्थे ही रिलीज़ करना चाहिए। आप क्या मांग करते हो? मैं यही मांग करती हूँ कि जो मेरा टाइगर होम हुआ है, मेरे जैसे और भी कई टाइगर होंगे पठानकोट में जो एक कहीं कहीं फेंकी जा रहे हैं ये कुत्ते। यहाँ आसपास के लोगों से मैंने सर्वे भी किया है, वो कह रहे हैं कि ये डॉग्स को पठानकोट से लेके आ जाते हैं और वहीं पर ये मनवाल हॉस्पिटल के आसपास ही रिलीज़ कर देते हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जहाँ से कुत्ते उठाते हो, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना, तो जहाँ से ये उठा रहे हो ना कुत्ते, तो वहीं पे छोड़ के आइए।